परवीन है और जे पंडोरी ब्रांच के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे है जे 29 जुलाई की मीटिंग में आए थे और उससे पहले जे सिस्टर बताते कि 20 दिन हो चुके थे कि जे सिस्टर को रात को ऐसे काली परछाई दिखाई देती थी और जे बहुत इनको डर भी लगता था और जैसे जे बता रहे कि उसके कारण इनके पेट में भी प्रॉब्लम थी और जैसे जे खाना खाते थे वो पचता नहीं था और जैसे जी सिस्टर 29 जुलाई को मीटिंग में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारी को लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से घोषणा हुई कि कोई काली परछाई है जिससे आप आज आजाद होने वाले। सबसे पहले हम इस घोषणा को इस क्लिप को देखते हैं। मैं काली परछाई के जैसे मैं एक काली परछाई के जैसे एक दुष्ट आत्मा को आपके जीवन के ऊपर साए की तरह वैसे आपको दिखती है वो परछाई की तरह काला साया जैसे होता है वो दुष्ट आत्मा वो एक परछाई के जैसे आपके जीवन में आती है और आपको नजर भी आती है। मैंने कहा आपको नजर भी आती है। मैंने कहा वो दुष्ट आत्मा एक परछाई की तरह आपको नजर भी आती है। आप जो कोई भी हो आप ठल्ले भरो यीशु मसीह के नाम से। मैं हर उस अंधकार की दुष्ट आत्मा को जो परछाई की रूप में आपको नजर आती है मैं कमांड करता हूं। नाउ दिस कमांड आउट मैं आपके जीवन से उस दुष्ट आत्मा को कैंसिल करता हूं और आपको आजाद घोषित करता हूं। मैंने कहा मैं आपको आजाद घोषित करता हूं। मैं आपको आजाद घोषित करता हूं। सिस्टर उस दिन मीटिंग में आए थे और जिस सिस्टर आगे तो नहीं आए पर जिस सिस्टर ने रिसीव किया और जो बता रहे कि उस दिन से लेकर आज तक जिस सिस्टर बिल्कुल इस दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। पहले इनको बहुत सारा रात को डर भी लगता था और जो पेट में प्रॉब्लम थी वो भी इस दुष्ट आत्मा के कारण थी। इनको खाना नहीं पचता था। आज ये सिस्टर उस प्रॉब्लम से भी बिल्कुल फ्री हो चुके। ये चीज आपको कब से थी? पापा जी ये हो रही ही 20-15 दिन हो चले ही इतना हो गया ही ते बाथरूम चे जे मैं जाना ते बाथरूम चे भी इतना हो दी जितना कोई काली परछाई खलोती है। आपको नजर आती थी? हाँ जी और बेटी हुंदी है कोई लड़की हुंदी लड़की जैसे। हाँ जी ते बस काला साया नजर आता था। काला कपड़ा ऊपर ले आया हुंदा ही उन्हें जैसे काला कपड़ा लिया। हाँ अब बाथरूम में जाते थे तो आपको नजर आती थी? हाँ जी बाथरूम च जहाँ बाजार इतना मेरे रूम दे नाल ही एक बाजार है जिधर नाइट नू सोना ते उत्थे भी खलोती होनी ते जहाँ अलमारी ते वेखना ऊपर भी जितना होना। हाँ, ऐसे भी नजर आती थी। हाँ और उसी की वजह से आपके पेट में क्या हो गई? पेट दे विच दो प्रॉब्लम हो गई कि जदों मैं खाना उससे वेले मेनू टॉयलेट जाना पैंदा। उसी समय आपको खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ जी खाना और जैसे उस दिन आपने उस घोषणा को रिसीव किया और उस दिन से लेकर आज बिल्कुल आप टोटली फ्री हो। यस अभी कोई नजर तो नहीं आता कुछ? नहीं मैं बिल्कुल। पेट का रोग सही है? हाँ जी सब कुछ अच्छा हो गया है। हाँ जी मिठी प्यारी नींद सोनी दिने वधिया उठती रात में बहुत वधिया सोनी। तारीफ करें खुदा की तारीफ जोर से जोर से जोर से इस गवाही के लिए तारीफ करें।